झुंझुनू एसपी मनीष त्रिपाठी की पहल पर अखिल भारतीय युवा वैश्य सम्मेलन के तत्वाधान में झुंझुनू के उदयपुरवाटी थाने में पक्षियों के लिए परिंदे लगाए गए। नवलगढ़ डीएसपी सतपाल सिंह के दिशा निर्देश में उदयपुरवाटी थानाधिकारी भगवान साय मीणा एवं अखिल भारतीय युवा वैश्य महासम्मेलन की टीम द्वारा थाना परिसर में पक्षियों के लिए जगह जगह बड़ी संख्या में परिंदे लगाए गए। थानाधिकारी भगवान साय मीणा ने कहा कि गर्मी के मौसम में साफ पानी हर दिन पक्षियों को मिले, इस दौरान आमजन से भी अपील की गई है कि अपने घरों, दुकानों और अन्य सार्वजनिक जगहों पर परिंदे लगाएं और उनकी नियमित साफ सफाई कर उनमें पानी डालें। इस दौरान वैश्य संगठन जिला उपाध्यक्ष विमल बंसल ने कहा कि जहां भी परिंदों की आवश्यकता होगी संगठन उपलब्ध करवाएगा। ये कार्यक्रम महासम्मेलन के शेखावाटी प्रभारी अनुज बघेरिया एवं जिला अध्यक्ष अंकुर मोदी के दिशा निर्देश एवं नेतृत्व में चलाया जा रहा है। इस दौरान महात्मा फूले ब्रिगेड राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकेश बागड़ी, अग्रवाल समाज अध्यक्ष सुशील रामुका, पवन चिरानिया, हेमंत खेमका, कमल जी नगर, संजीव अग्रवाल, हिमांशु खैरारी, रामाकांत मित्तल एवं एनसीसी के स्वयंसेवक मौजूद थे। श्रीमान एसपी साहब मनीष जी त्रिपाठी द्वारा एक नया संकल्प लिया गया है कि झुंझुनू जिले में हर चौकी हर थाने में पक्षियों के लिए परिंदे लगाए जाएंगे। इस मुहिम के तहत ही जो वैश्य महासम्मेलन है उसके तत्वावधान में, उसके सहयोग से आज उदयपुरवाटी थाने के परिसर में जितने भी पेड़ हैं उन पर पक्षियों के लिए परिंदे लगाए गए। ये हमारे श्रीमान एसपी साहब की पहल है और उन्होंने एक संकल्प लिया है कि हर चौकी और हर थाने में झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में परिंदे पक्षियों के लिए लगाए गए। उसी मुहिम के तहत आज ये वैश्य महासम्मेलन के सहयोग से परिंदे लगाए गए हैं उदयपुरवाटी थाने परिसर सभी वृक्षों।